हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पायल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम डिफरेंट रेसिपी। पालक पनीर की सब्जी हम सब ने खाई है, लेकिन आज मैं आपके लिए पालक पनीर का पराठा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत बहुत ही डिलीशियस होता है, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आटा लगाएंगे। यहाँ बोल में गेहूं का आटा ले रही हूँ मैं, 2 कप आटा लिया है मैंने। इसमें हम मिक्स कर देंगे हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें मैंने कूट कर ली हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और इसके साथ ही बारीक कटी हुई पालक डाल देंगे 1 कप। पालक को हमने बारीक बारीक काटा है। 1 चम्मच हम इसमें घी या तेल, जो भी आपको पसंद है वो आप डाल दीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। ये पराठे की रेसिपी काफ़ी डिफरेंट है, आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जैसी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम आटा लगा लेंगे। आटा जो हमें लगाना है वो सेमी सॉफ्ट लगाना है, नॉर्मली जैसे हम सारे पराठों के लिए लगाते हैं, ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम। तो ये देखिए, आटा जो है वो हमारा लगकर एकदम तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच तेल जो है वो हम और इस पर अच्छे से लगा लेंगे और उसके बाद हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि आटा जो है वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ मैंने पनीर लिया है और पनीर को हम इस तरीके से क्रम्बल कर देंगे। पनीर को मैंने छलनी में रखा था ताकि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। पनीर क्रम्बल करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये देखिए। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें मिला लेंगे। 1 कटा हुआ प्याज हम इसमें डाल देंगे, साथ ही मैं इसमें हरी मिर्ची कूट कर डाल रही हूँ। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, लाल मिर्ची डाल देंगे 1 चम्मच और साथ ही आमचूर पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। मैंने जो लाल मिर्ची जो हरी मिर्ची ली है वो ज़्यादा तीखी वाली नहीं ली है, फिर भी आप मिर्ची अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही हरे धनिया की पत्तियाँ और 1 चम्मच मैंने तिल का तेल डाला है। सर्दियों में हम लोग मोस्टली तिल का तेल ही यूज़ करते हैं। ये डालकर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हमारी जो फिलिंग है वो बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आटा है वो सेट हो गया है, आटे की लोई हमने तैयार कर दी है और उसे हम इस तरीके से सूखे आटे में लपेट देंगे। इसके बाद हम इसे बेल लेंगे। अब जो हमें इसे बेलना है वो नॉर्मली जो पूरी का साइज़ होता है उससे थोड़ा सा बड़ा हमें बेलना है, क्योंकि जो पराठा होता है उसमें मैं फिलिंग थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ, मुझे ज़्यादा फिलिंग वाला पराठा पसंद है। बाकी आप ये चीज़ अपने अपने हिसाब से नॉर्मली आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो देखिए, मैंने इसको अच्छा बड़ा बेल लिया है। बीच में मैं थोड़ा सा तेल लगाऊंगी और तेल को अच्छे से पूरे पराठे के ऊपर फैला दूंगी। अब मैं इसमें फिलिंग डाल दूंगी। जो हमने पनीर और प्याज की फिलिंग तैयार की है वो करीब करीब 2 से 3 चम्मच मैं फिलिंग इसमें डाल देती हूँ। फिलिंग डालने के बाद में हम इसे थोड़ा अच्छे से फैला देंगे और उसके बाद में इस तरीके से देखिए पूरे जो साइड्स हैं उसे एक साथ लेकर आएंगे और फिर ऐसे गोल गोल हम लोग घुमा देंगे, नॉर्मली जैसे पराठे के लिए हम लोग करते हैं। अच्छे से इसे प्रेस करते हुए जो एक्स्ट्रा पोर्शन होगा आटे का वो निकाल देंगे, दोबारा इसे अच्छे से एक बार घुमा देंगे और प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा प्रेस करते हुए फैला देंगे ताकि जो मसाला है वो हर जगह फैल जाए। उसके बाद जो सूखा आटा है वो हम दोबारा से दोनों तरफ लगा देंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। इतना ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत अप्लाई कीजिएगा वरना जो पनीर है वो पूरा बाहर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा अगर आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिकने के बाद ना बहुत बढ़िया टेस्ट देता है वो, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हल्के हल्के हाथों से पूरे पराठे को बेल लीजिए। तवा ऑलरेडी गर्म हमने करने के लिए रख दिया है, तवे पर हम पराठे को रख देंगे। अच्छे से इसे सिकने देंगे मीडियम फ्लेम पर और थोड़ी देर बाद हम इसे पलट देंगे। देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसका पराठे का और कितने अच्छे से ये सिका है। अच्छे से प्रेस कीजिए, प्रेस करते करते इसे बनाइए और उसके बाद तेल डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, सर्दियों का टाइम है, हमारे यहाँ पे सर्दियों में
तिल के तेल में पराठे बनाए जाते हैं, जो कि बहुत फ़ायदा भी करता है और बहुत हेल्दी भी होता है। थोड़ी देर बाद दोबारा हम लोग इसे पलट देंगे, प्रेस करते करते अच्छे से हम इसे सेक लेंगे। दूसरी तरफ भी मैं इसमें तेल लगा रही हूँ, तेल अच्छे से हम पूरे पराठे पर स्प्रेड करेंगे और अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो देखिए हमारा जो पराठा है वो दोनों तरफ से कितना अच्छा गोल्डन क्रिस्पी हो गया है। बहुत टेस्टी होता है ये पराठा, आप इसे केचप के साथ में खा सकते हैं। मैं तो कभी कभार इसे चाय के साथ में ऐसे ही खा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और दही के साथ भी ये बहुत बढ़िया लगता है। आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे बताएं कॉमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। लाइक करें इसे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी जरूर से प्रेस करें। जल्दी मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।